नमस्कार और आदाब। आज सनीचर है, सितंबर के 12 तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। बद्रेव्स एक नोमन, दो भाइयों चांदी और आमवेद जेथो, ये सब मुफ्त में काम करने वाले ये सरकार के लिए सुरीनाम देश के वास्ते। दोनों अपने आप को पेश किए हैं प्रेसिडेंट संतोखी के सामने इनका सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर बनने को। दोनों सुरीनाम का है और अनजान नहीं है। देश में और विदेश में काफ़ी काम किए हैं और काफ़ी नाम कमाए हैं। अनेक बंकन और अनेक प्रोजेक्ट्स पर दोनों काम किए हैं। दो विशेषज्ञ लोग हैं फाइनेंशियल दुनिया में, फाइनेंशियल क्षेत्र पर, और अपना राय दोनों देंगे कैसे देश को फाइनेंशियल मुश्किलात से निकालने को, फाइनेंशियल मुसीबत से बचाने को, और फाइनेंशियरिंग्स ब्रोनन जो है तलाश करने को, कहां से और कैसे पैसा अंदर आ सकता है इस देश को चलाने के लिए, और इस देश के समस्या जो मुश्किलात है ये दूर करने को। फिर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत फख्र के साथ ऐलान किए हैं कि इनके तरफ से 4 औरतें पेश किया गया है सात रात में बैठक लेने के वास्ते। ये दो फिर यहाँ पे का ऑन द फोर्थ क्षेत्र से मालती सारजू और उर्मिला रामलागन सिंह, आगे में नाताली अमत मोहम्मद और सत्यावती ठाकुर, ये सब बैठक लेंगे सात रात में। और जबकि चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो फोर क्षेत्र है फेहा पे का, ये भी फोर क्षेत्र है, ये खुरंदवैतलक और खान का। ये 4 औरतें जो है अनेक सामाजिक क्षेत्र से है, काफ़ी तजुर्बेकार है और अनेक इलाका से है। ये ऐतिहासिक बात है कि 4 औरतें फेहा पे की तरफ से सात रात में बैठक लेने वाले है। इकोनॉम और एक्स मिनिस्टर स्टैनली रघुबार सिंह नया रखेरिंग्स कमिसारिस बनेगा सेंट्रल बैंक फंड सुरीनाम का। इस बनूमिंग से मोनेटरी ऑथोरिटेटन सहमत है। मोनेटरी ऑथोरिटेटन जो है मॉरिस रूमर, गवर्नर सेंट्रल बैंक फंड सुरीनाम का और मिनिस्टर फिनंसियन का और प्लानिंग का आर्मांड अचाइबर सिंह। ऑफिशियल बनूमिंग अभी बाकी है, अभी तक नहीं हुआ है। रघुबार सिंह जो है ये लेस्ली विंटर की जगह पर आएगा। कौन कौन और बैठक लेंगे नया एरफीसे में सेंट्रल बैंक फंड सुरीनाम का, ये अभी नहीं पता है। आधिकारिक तौर पर यानी अम्स हाल्फ डायरेक्टर इन फिनंसियन का और इकोनॉमिक साकन जो है इसमें बैठक लेते हैं, एरफीसे में बैठक लेते हैं। और रघुबार सिंह जो अदविश्योर है मिनिस्टर अचाइबर सिंह का, ये भी अब सरकार के तरफ से रखेरिंग्स कमिसारिस बनेगा। ये है सेंट्रल बैंक फंड सुरीनाम के पास। कोविड 19 बस्मैतिंग जो सुरीनाम देश में है ये धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब वीकेंड का जो लॉकडाउन है ये काम कर रहा है। ये वायरस जो है इसे फैलने से रोकने के लिए तो ये सरकार फैसला किए है अब ये लॉकडाउन करने के लिए। पिछले हफ्ता से वीकेंड भर टोटल लॉकडाउन है और ये टोटल लॉकडाउन रहता है, मतलब इस वक्त भी हम टोटल लॉकडाउन में है। सुबह के रात 8 बजे से सोमवार के सुबह 5 बजे तक, सुबह के रात 8 बजे से सोमवार के सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहता है। ये जो वायरस है इसे फैलने से रोकने के लिए न सिर्फ सरकार जिम्मेवार है लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेवारी ये जनता के पास खुद है, ये भी बार बार कहा जाता है। जैसे मैं आपको बता चुके हैं इस वीकेंड में भी एक टोटल लॉकडाउन है, लेकिन पिछले हफ्ता के लॉकडाउन से ये पता चला है तो भी बहुत से लोग जो मात्र एकलन है इसका उल्लंघन किए हैं, लोग सड़क पर गए हैं, पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार किए है। पिछले हफ्ता मैं आपको ये भी बता चुके थे कि इन लोगों से जुर्माना लोग भरवाएंगे, पुलिस भरवाएंगे, क्योंकि कानून जो है ये अब पूरा हो गया है। जो खामियां था ये वैत में, जो टकॉर्ट कोमिंगन था, जो खातन मासन था वैत में, ये अब पूरा हो गया है। तो लोगों को बूतस भरना है और ऐसा भी पिछले वीकेंड में हुआ है। एक दूसरा बात जो कॉरप्स पॉलिसी सुरीनाम के तरफ से बाहर आए हैं कि ये पता चला है कि बहुत से लोग प्रिफे ओर्दन जाते हैं, रेक्रियासी ओर्दन जाते हैं वीकेंड भर वहाँ पर गुजारा करने के लिए, और बड़े तादाद में लोग जाते हैं। जबकि एक्साम स्कोलिंग्स पर बहुत है 5 लोगों का, यानी 5
से ज़्यादा लोगों को एकत्र होना ये मना है, तो भी लोग इस पर गौर नहीं किए हैं। पुलिस ये बताई है कि ये लॉकडाउन रेखल्स के बावजूद लोग जो लोग कदम उठाते हैं इन लोगों पर इस वीकेंड में और कड़ी नज़र डाला जाएगा, और अगर पता चलेगा तो आपको तो पता है कि आपको जुर्माना यानी बूतस भरना पड़ेगा। सरकार चाहती है ये आने वाले दिनों में नॉर्मलाइजेशन की ओर जाने के लिए, क्योंकि ये कोविड जो है ये जाने वाले तो नहीं है, कोविड के साथ ज़िंदगी हमें गुजारा करना है। तो नया मात्र इखलन के साथ नया तौर तरीका आएगा, कैसे हमें ज़िंदगी बसर करना है और कैसे ज़िंदगी में आगे जाना है ये कहा गया है। और हम हमेशा के लिए लॉकडाउन में तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इससे देश का इकोनॉमी पर हर एक पर असर होता है। ये कोविड नई घंटी मात्र इखलन के साथ आगे ज़िंदगी हमें बशर करना है, और इस बारे में ये जो नॉर्मलाइजेशन आएगा, हो सकता है कि कल एतवार को प्रेसिडेंट संतोखी जो है ये अपना बयान में कुछ कहने वाले हैं। ये एक एनालिसिस होगा, लोग एक एनालिसिस करेंगे कि पिछले वीकेंड में जो लॉकडाउन हुआ है इसका असर क्या हुआ है, इसका फ़ायदा हुआ है या नहीं, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट जो है एफालिवादसी के बाद नया रिखलैन नया रेखल्स नियम बताने वाले हैं, ऐलान करेगा कोविड 19 के सिलसिले में। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस वक्त कोविड 19 टेलर जो है 93 तक पर है, 93 तक लोगों का देहांत ये कोरोना वायरस से हो चुका है सूरीनाम देश में। इस हफ्ता प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी कुछ कोमेसिस और वर्करोपन बनुम किए हैं, और ये नया राधवान तुसेख थे, इसमें से एक है नया राधवान तुसेख मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खलिस एमई खलिस के पास। इसमें बैठक लेते हैं आदित्य कुमार सेवनंदन, वेन तेलख, दिनेश काल्पू, रीदो बनाई। राधवान तुसेख जो है ये इंस्टॉलर हुआ है, ये नियुक्त हुआ है प्रेसिडेंट संतोखी के जरिए 4 साल के वास्ते, ये बनुमें 4 साल के लिए है। संतोखी ये गुजारिश किए हैं ये वर्क ग्रुप से, जो ये राधवान तुसेख से में जो लोग बैठक लेते हैं इन लोगों से गुजारिश किए हैं कि ये देखने को कि जनता का सेवा में सुधार लाया जाए, जिस तरह से जनता के लोग खिदमत सेवा करते हैं, जनता का काम जो है कर किया जाता है, इससे काफ़ी शिकायत अंदर आते हैं, तो इसमें सुधार लाना ये एक प्रायोरिटी है, ये सबसे पहले रखना चाहिए और इसमें सुधार लाना चाहिए। एक्स लेखर ऑफिसर, एक्स पुराना लेखर होफ्ट ऑफिसर जो है और डायरेक्टर नेशनल फेलखेद का मेलविन लिंसकियर, ये भी नया फेलखेद एडविसर है प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी का, साथ में भी वो फोर्सेटर है वर्क ग्रुप का इन्फेंटरिसाची एंड एडविस ऑनप्लफबारे एंड गफारलक स्टॉफिन का। ये इस कॉमेसी को खोजबीन करना है कहाँ पर और कैसे खतरनाक सामान केमिकालियन और ऑन प्लफ बार मिडलन जिसके साथ धमाका होता है, साथ में खफारलक स्टोफन खतरनाक सामान जो है सूरीनाम देश में कहां पर रखा गया है और किस तरह से लोग इसे रखे हैं, इस पर ये कॉमेसी जो है इसको खोजबीन करना चाहिए। ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है जनता के वास्ते, इसलिए इस पर खोजबीन करने के लिए ये कॉमेसी ठहराया गया है सूरीनाम देश में। ये कॉमेसी ठहराया गया है और तीन महीने के समय प्रेसिडेंट ने इस कॉमेसी को दिए हैं, ये प्रेसिडेंट को राय देने के लिए आगे क्या करना है और कैसे कौन से कदम उठाना है। ओपन बार वर्कन का मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद जो है ये देश भर में लंदलक सभी अमतनारन जो तैदलक दिनस्त में थे मिनिस्टरी के पास, इन लोगों से गुजारिश की है घर पर रहने को लिए, नौकरी पर नहीं आने को। इसमें लोग हैं जो 1 साल से नौकरी करते लेकिन अभी तक इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिला है, मिनिस्टरी पर काम करते लेकिन तनख्वाह नहीं मिला है। इस बारे में बहुत से अमतनारन जो है ये सब अपना शिकायत पेश किए है याना लेदन के पास। इस बारे में काफ़ी चर्चा पिछले हफ्ते में हुआ है, लोग अपना आवाज़ उठाए, शिकायत पेश किए हैं, लेकिन मिनिस्टर नूर मोहम्मद जो है एक रिएक्शन में अपने बयान में ये कहा है कि ये
इन लोग जो लोग काम करते हैं एक बरस से या एक बरस से ज़्यादा काम करते हैं और इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिला है, इन लोगों के फ़ायदे में वो बात करते हैं, क्योंकि तनख्वाह इन लोगों को नहीं मिलता है लेकिन रोज़ाना लोग खर्चा करते हैं, पैसा भर कर काम पर आते हैं, जबकि पैसा इसके लिए लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए ये कहते हैं मिनिस्टर कि इन लोगों के फ़ायदा में ये फ़ैसला लिया गया है। अब आगे क्या होगा अभी तक नहीं पता है, लेकिन अगर ये पता चल जाएगा क्या होगा या अमतनारन के साथ, तो ज़रूर ये जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन बात तो साफ है कि ये अमतनारन जो तैदलकदीन्स में थे, इन लोगों को कहा गया है घर पर रहने के लिए। एक ख़त के जरिए मिनिस्टर ओवी का ओपन बार अमेरिकन का रियाद नूर मोहम्मद ने कहा है। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।